अयोध्या के फतेहगंज स्थित खीर वाली गली मोहल्ले में पटेल क्लिनिक के प्रबंधक डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी के नेतृत्व में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें करीब असहाय लोगों को उनकी बीमारी के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा दवाई दी गई। इस कैंप में लगभग 300 से ऊपर लोगों को देखकर दवाई दी गई। इस समाज सेवा निःशुल्क कैंप लगभग 15 दिन से अनवरत पटेल क्लिनिक का बछड़ा सुल्तानपुर द्वारा चल रहा है और हर मोहल्ले में कैंप लगाकर गरीब असहाय लोगों का इलाज हो सके इसलिए कैंप लगाया जा रहा है। उसको देखकर दवाइयां भी दी जा रही हैं। जो गरीब लड़के असहाय हैं जिनके उन लोगों के यहाँ दवा भी फ्री है अपने क्लिनिक पे, जिनके कोई नहीं है उन्हीं लोगों की सेवा के लिए है। यहाँ जैसे 10 से 15 लोगों का कम से कम मान के चलिए कि आईडी पे दवाएं भी निःशुल्क है, 15 लोग सुबह 15 लोग शाम। और कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई मजार है, वहाँ की सेवा करना है, वो सब भी है भाई, पूर्वज जी तो हैं। आज कितने लोग कैंप में आए हैं? और इस समय तो लगभग कैंप में बच्चों की संख्या 300 की स्ट्रेंथ थी, लगभग उसमें से 100 के ऊपर पहुंच गए हैं। जो लोग अपना चिकित्सा कर रहे हैं उनके टीचर हैं, गुरु हैं, यतीम खाना में बाहरी जो लड़के पढ़ते हैं लगभग 40 से 50 की संख्या में हैं, वो लोग भी हैं। अभी उनको जैसे यतीम के बच्चों को केला समोसा ये सब भी वितरित किया जाएगा। सब आप अभी हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भाई श्रद्धा है हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, एकता का प्रतीक है। फैजाबाद की आधी मतलब आधा फैजाबाद इन्हीं पे है टिका हुआ, इनकी एक बद्दुआ भी है, ना कोई आलिम ना कोई जालिम रहेगा फैजाबाद में, ना कोई अभी तक बन भी पाया है, जितने बने हैं एकदम पीक पे नहीं पहुँचे हैं, नंबर दो नंबर एक इनकी ये मान्यता बड़ी हुआ की बहुत प्रसिद्ध मान्यता है। ये यही क्लिनिक में आप ही जो क्लिनिक के पेशेंट आते हैं उन्हीं के पैसे में है, कोई संस्था नहीं है इसमें। हाँ क्लिनिक से सेवा भाव से ये है। मणिवीर बाबा का एक मस्जिद, मणिवीर बाबा का एक मंदिर है, ब्रह्म बाबा का है यहाँ पर नाका पे, इन लोगों का भी टाइल्स लगवाना या कोई और व्यवस्था साफ सफाई के लिए वहाँ कर्मचारियों को नियुक्त करना है, सब भी अपने लोग सब इसी में हो जाए भाई, इन्हीं लोगों की देन है। आशुतोष कुमार चौधरी।